देखो एंगल बिटवीन टू एज विथ द सेम इंटीरियर क्वाइट इज कॉल्ड एन एंगल। कहने जा रहे कि दो किरणों के बीच जो इंटीरियर पॉइंट होता है, आंतरिक जो बिंदु होता है, जो आंतरिक बिंदुवाकर मिलता है, आंतरिक बिंदुवाकर किरण मिलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कोण। आप कहेंगे मतलब कहते हैं हमने इसका है कि एक वन इक्वेशन इक्वल 360 डिग्री, वन डिग्री इक्वल 60 मिनट, वन मिनट इक्वल 60 सेकंड। आप देखो ऐसे एंगल क्या होता है, यह जो करा है दो एंगल्स इन द सेम प्लेन हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन साइन बट हैव इंटीरियर। जब दो एंगल्स एंगल्स हुआ दोनों एंगल्स के बीच में जो वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स होते हैं जैसे वो बी जो है कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन साइड है वो भी कॉमन साइड भी है और बट लेकिन क्या होता है इंटीरियर्स विद द नो पॉइंट्स इन नो इन कॉमन द एंगल्स आर एडजेंट। कहा कि इसमें क्या होता है कोई पॉइंट दूसरा पॉइंट नो और जो कॉमन बिंदु है वैनिश बिंदु है उसी को हम लोग क्या कहते हैं एडजेंट एंगल। आप देखो इस पे लाइनियर पेयर होता है, लाइनियर पेयर को आपको बताया गया कि देखो यह क्या है ए ओ बी, यह कैसा है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एंगल जो होते हैं आपको बता चुके हैं पीछे भी, यह 180 डिग्री के होते हैं और जब दो यहाँ कोई दो पर कोई किरण आता है तो ले जाते हैं और बिल्डिंग पर जो बनते हैं तो दोनों कोणों का वैल्यू क्या होता है जोड़े गया तो इसका भी वैल्यू होता है 180। जैसे लाइन को बने एकदम जितने होते हैं उसका वैल्यू होता है 180 डिग्री। अगर आप इस पर किस्सा ऐसे किस्सा जब निकाल देते हैं तो भी इस पर भी सबका जोड़िएगा तो आपका सबका योग हमेशा जो सम होगा वह 180 डिग्री के बराबर ही होगा। जैसे आप देखिए आप देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल्स।